अभी तो सीधे नगर निगम का काम है आम लोगों को दबोच लेना, टैक्स के जाल में पकड़ लेना, इतना ज़्यादा टैक्स लादा जा रहा है फिर भी पैसा नहीं। किंग मेकर शुरू से आ ही रहा है नगर निगम कुछ ये किंग मेकर के कारण ही शहर की ये स्थिति है। अगर किंग मेकर अगर छोड़ दे शहर की स्थिति, जब तक ऊपर से किसी का हाथ रहेगा नगर निगम कभी ढंग से नहीं चलेगा, स्वतंत्र रूप से चल ही नहीं सकता है। बहुत से प्रशासनिक अफसर आए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन काम करने नहीं देता है कोई। नहीं, जनता चुनेगी, जनता है हमारी किंग मेकर। इस बार जनता का सपोर्ट मुझे मिल रहा है और मैं बिहार में नगर निकाय चुनाव की हलचल काफ़ी तेज है और अब जो पहले चरण के जो चुनाव होने हैं उसमें लगभग प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर नगर निकाय क्षेत्र से महापौर के प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता हैं हमारे साथ, खास बातचीत करेंगे पूरे चुनावी प्रकरण पे, क्या कुछ रणनीति होगा और क्या DPR के साथ चुनावी मैदान में है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में मशहूर था, स्मार्ट सिटी आज तक बना नहीं, तो स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के क्या कुछ सोच है इनकी, उस सोच को जानेंगे और इनके किंग मेकर कौन है, चूंकि किंग मेकर चुनाव में काफ़ी हावी होते हैं, इन सभी सवाल को लेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बड़ा अहम सवाल के साथ शुरुआत, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, काफ़ी कुछ दावा भी किया कि मुजफ्फरपुर के स्मार्ट बनाने की जो परिकल्पना है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप लोग आपकी दिलचस्पी दिखी। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में तो मशहूर था और काफ़ी ज़्यादा पैसे की बात आई, लेकिन स्मार्ट दिखा नहीं आज तक, ओम प्रकाश गुप्ता का क्या कुछ इस पर रोड मैप है? पैसा तो यहाँ आया भी बहुत सारा, इच्छा शक्ति नहीं है लोगों में काम करने की, पैसा काफ़ी फरार आ गया, फंड फरार आ गया, काम ही नहीं हुआ। रोड का उसी तरह हाल देख लीजिए, सड़क का उसी तरह हाल है। ग्रीन सिटी बनना चाहिए था, शहर से पेड़ ही गायब हो गया। एक ज़माने में आज से 10-15 साल 20 साल पहले देखते काफ़ी रोड पर पेड़ वगैरह थे, सब कट गई नाला और रोड के नाम पर, और नाला और रोड आज तक नहीं बना। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है इस शहर में, 7वां-8वां पोजिशन है पूरे वर्ल्ड में, मुजफ्फरपुर का नाम आता है पॉल्यूशन में। हर आदमी को स्किन डिजीज, फेफड़े की बीमारी, एक सदर हॉस्पिटल से पूरा मुजफ्फरपुर मेकअप करता है। हॉस्पिटल्स में कि स्वास्थ्य की तो कोई सुविधा है ही नहीं यहाँ पे, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए एक सदर हॉस्पिटल है, उसी के भरोसे पूरा टाउन है। टाउन क्या, जिला से भी लोग आते हैं उसमें। अच्छा प्रकाश जी, व्यापारी क्षेत्र में काफ़ी अच्छे चल रहे थे आप व्यापार के क्षेत्र में, और व्यापार के क्षेत्र में एक मुकाम भी आपने पा लिया था, आप चुनावी मैदान में आ गए और मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह मिला है, तो मोटरसाइकिल की सवारी करके मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में कैसे एक स्मार्ट पहचान दिला पाएंगे? जी मोटरसाइकिल दौड़ेगी, अभी तो जाम लग जाती है ना, उसको इस तरह बना देना है कि जाम लगे ही नहीं। इतना सारा नगर निगम का ज़मीन पड़ा हुआ है, मार्केट कम्प्लेक्स बनना चाहिए था, पार्किंग की व्यवस्था होती, वेंडर सब लोग जो रोड पर बैठे हुए हैं उन सबको अलॉट किया जाता, उसमें नगर निगम की आप नहीं बरती। अभी तो सीधे नगर निगम का काम है आम लोगों को दबोच लेना, टैक्स के जाल में पकड़ लेना, इतना ज़्यादा टैक्स लादा जा रहा है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, जबकि चाहे तो इतना ज़्यादा आमदनी नगर निगम को हो सकती है, जाम की समस्या तो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। जितना ज़मीन है नगर निगम के पास, मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दे, पार्किंग बना दे, वेंडर सबको लोगों से शिफ्ट कर दे, ख़त्म है समस्या। करने की इच्छा शक्ति नहीं है। कभी एक बड़ा अहम चीज़ आज तक नगर निगम में देखने को मिला है कि विधायिका और कार्यपालिका में कभी समन्वय स्थापित नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर बिहार का एक ऐसा नगर निकाय क्षेत्र है जहाँ के प्रशासन में और विधायिका में कभी जो है सो समन्वय ही देखा ही नहीं गया, दोनों दो गुट पे चलते थे, कभी बजट का लेकर के विरोध हुआ, कभी फर्दोनाला का विरोध होता है। मतलब इस तरीके से क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर जो है उस मुजफ्फरपुर को इस तरीके से स्मार्ट बनाया जा सकता है? ओम प्रकाश गुप्ता क्या कुछ फीडबैक है? वही बात है, जब तक ऊपर से किसी का हाथ रहेगा नगर निगम कभी ढंग से नहीं चलेगा, स्वतंत्र रूप से चल ही नहीं सकता है। बहुत से प्रशासनिक अफसर आए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन काम करने नहीं देता है लोग। लोग ही मेयर में रंगा लगा देते हैं, 10 तरह का
नहीं, इस पर तो बोलना भी ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए। ऊपर की बात आपने की, ऊपर की बात आपने की, अब एक बड़ा अहम सवाल हो यहाँ पे आ जाता है। ऊपर की बात में अगर मुजफ्फरपुर नगर निकाय क्षेत्र में मेयर बनना चाहिए, पहले जो चूँकि पार्षद बिकते थे, मेयर बनते थे, डिप्टी मेयर बनते थे, लेकिन अब ये चीज़ परंपरा ख़त्म हो गई है ना, अब आम जनमानस डायरेक्ट वोट करके महापौर उप महापौर का चुनाव करेंगे। तो अब ओम अभी भी किंग मेकर हावी है इस चुनाव में, ओम प्रकाश गुप्ता का किंग मेकर कौन है? कोई नहीं, जनता चुनेगी, जनता है हमारी किंग मेकर। इस बार जनता का सपोर्ट मुझे मिल रहा है और मैं जीतूंगा। तो ओम प्रकाश जी की जो मोटरसाइकिल है वो किंग मेकर के दरवाजे न जाकर जनता के दरवाजे जा रही है? एकदम जनता के दरवाजे जाएगी, होना भी यही चाहिए, जनता के दरवाजे ही जाना चाहिए। पैसा जो भी आता है जनता के काम आए, किसी किंग मेकर के काम नहीं आए। लगातार जनसंपर्क भी आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं, आम जनमानस का क्या कुछ फीडबैक है और निगेटिव है तो क्या है? नहीं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, निगेटिव क्या के आज कहा जाए, निगेटिव तो अभी तक सुनने में कुछ ऐसा है। निगेटिव का मतलब हो गया कि जो पुराने कार्यकाल रहा लोगों का उसके प्रति बहुत गुस्सा है, लोगों में बहुत गुस्सा है। थोड़ा बहुत अगर काम हुआ तो समीर कुमार के समय में काम हुआ और शहर को दिशा उन्होंने दी थी, लेकिन उसके बाद के जो भी मेयर रहे कोई शहर में काम ही नहीं हो पाया। सब लोग आए, अपना अपना कुर्सी उल्लू सीधा किए, काम कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर जिस नगर निकाय से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वही नगर निगम है जहाँ मतलब हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक मेयर पे तीन तीन चार चार बार अविश्वास भी आया है। हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा, क्यों आया, फिर आया और फिर वही बन गए, क्यों हुआ ऐसा, समझ से पा रहे समझ किंग मेकर शुरू से हावी रहा है नगर निगम। पूछिए, किंग मेकर के कारण ही शहर की ये स्थिति है। अगर किंग मेकर अगर छोड़ दे, शहर की स्थिति अपने आप सुंदर हो जाएगी। ओम प्रकाश गुप्ता अब डायरेक्ट जनता के पास जा रहे हैं, जनता से क्या कुछ कह रहे हैं कि हम क्या कुछ काम, कैसा काम करेंगे जो शहर के आम जनमानस ओम प्रकाश गुप्ता को ही महापौर चुने? नहीं नहीं, सबसे पहले तो ये किंग मेकर वाली बात ख़त्म होनी चाहिए, जनता चुने, जनता डायरेक्ट अपना डिमांड करे, मेयर उनके साथ रहे, शहर का विकास समुचित हो जाएगा। ओम प्रकाश गुप्ता को ही क्यों चुने? ओम प्रकाश गुप्ता को क्यों चुने? हाँ, बड़ा अहम सवाल आ जाता है कि शहर के आम जनमानस ओम प्रकाश गुप्ता को क्यों चुने? ओम प्रकाश गुप्ता क्या कुछ अलग करने वाले हैं सभी लोग प्रत्याशियों से? नहीं नहीं, अलग तो होना ही चाहिए। जैसे पोल्यूशन के लिए यहाँ कोई नहीं बोल रहा है, जबकि सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूशन की है, हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, हमेशा उठा रहे हैं आवाज़। नगर निगम की इतनी सारी ज़मीन बनी हुई है, पड़ी हुई है, उसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, हमारी घोषणा में है ये सब। पार्किंग की समस्या ख़त्म हो जाए भाई, रोड पर गाड़ी लगेगी तो जाम लगेगी, पार्किंग में अगर लगेगी तो नगर निगम को आमदनी भी होगा। शहर के पत्रकार हैं हम, और अगर मुद्दों की बात की जाए तो अगर नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं से लगातार अभी तक मौत हुई है, शहर में महिला की भी एक मौत हुई है, जाम की समस्या एक प्रबल समस्या है, स्मार्ट सिटी परियोजना का भी धरातल पे उस वे में जो चलना चाहिए चलता नहीं है, है ना, उसके बाद जल जमाव की समस्या एक प्रबल समस्या है, आपको पोल्यूशन की समस्या है, इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ ग्राउंड पे रोड मैप होगा ओम प्रकाश गुप्ता का? नहीं, सब चीज़ के लिए रोड मैप बना हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है, इच्छा शक्ति नहीं है, काम हो ही नहीं पा रहा है, जो काम दो दिन में होना चाहिए वो दो साल में नहीं हो पाता है, सभी चीज़ के लिए प्लान है, काम हो नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से ओम प्रकाश बोल रहे हैं आवारा पशु, एक दिन में सारा आवारा पशु वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी, एक दिन चाहिए उसके लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या मजबूरी है? ओम प्रकाश गुप्ता मतलब शहर के लोगों को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब पावर मिलेगा तो शहर चमकेगा, एकदम चमकेगा, स्वच्छ सुंदर प्रदूषण मुक्त शहर बनेगा। जिस रूप से व्यापारिक व्यापार की दिशा में ओम प्रकाश गुप्ता अपनी अलग काम करके अपनी एक पहचान बनाए हैं, उसी तरीके से शहर को स्मार्ट बनाकर अपनी पहचान बनाए, सुंदर स्मार्ट, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी। हमारे माध्यम से जो शहर के आम जनमानस आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या कुछ अपील रहेगी? हमारा साथ दीजिए, हम बनेंगे मेयर और शहर को सुंदर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, आपके साथ रहेंगे, किसी के दरवाजे पर बुलाने पर एक मिनट में पहुँचेंगे।
चलिए एक मिनट वाली बात जो लास्ट में प्रकाश गुप्ता ने कह गई, इन्होंने बड़ा अहम बात बोला, चूँकि किंग मेकर के सवाल में मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति जो है वो आज तक शहर में जो महापौर बनते आ रहे हैं किसी के अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। वाकई में रिमोट, एक पूर्व महापौर ने कहा था कि हम तो पॉकेट में थे, कोई रिमोट कंट्रोल से चलता था और कोई पैसा के खेला में किंग मेकर काफ़ी ज़्यादा नगर निगम पे हावी थे। आम जनमानस ओम प्रकाश गुप्ता के क्यों चुनेंगे, ये पूरा वीडियो लगभग आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ओम प्रकाश गुप्ता कह रहे हैं कि व्यापारिक रूप से जो इच्छा शक्ति हमने व्यापार में अपनी पहचान बनाई है वह नगर निगम क्षेत्र में काम करके और अपनी अपनी समाज में अपने मुजफ्फरपुर को स्मार्ट बनाने की दिशा में और विकास के पथ पर मुजफ्फरपुर को गतिशील बनाएंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनावी माहौल में शहर के आम जनमानस ओम प्रकाश गुप्ता पर कितना विश्वास जता पाते हैं। कैमरे के पीछे सहयोगी हैं और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।